गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से एक नया दिन और एक नया ट्रिक। तो आज की ट्रिक होने वाली है थाने में गोड़बंदर रोड। अगर आप लोग को आना है इस ट्रिक के लिए तो आपको मैं डायरेक्शन बताऊंगा। पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ एग्जैक्टली हम लोग आज करने क्या बोले। ये एक ऑफ बीट ट्रिक है जो लास्ट टाइम मैंने सोलो किया था। अकेले मैंने उस ट्रैक को सर्च किया था, वह ट्रैक भी नहीं था, एक रिवर है, रिवर को फॉलो करते हुए मैं ऊपर गया था। तो अभी आज मैं आया हूँ चेना में। चेना विलेज गोड़बंदर रोड पे आता है। अगर आप मेरा भाईंदर से या टूवर्ड साना से आओगे तो आपको चेना पता ही होगा, और चेना नहीं पता तो आप गूगल मैप्स पे देख सकते हैं। तो बेस विलेज से यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे को लास्ट टाइम 3 आवर्स लग गए थे, तभी मुझे ट्रेल्स नहीं पता था। जाने का 163 और आने का 6 आवर का ट्रैक था। तो उस टाइम पे मुझे ट्रेल नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम गया था। तो इस बार मुझे ट्रेल पता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैं मैप्स पे भी है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी है ट्रैक का। तो चलो आज का ट्रैक होने वाला काफ़ी मज़ेदार, और ऐसा प्लेस है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये प्लेस थाने में। ये रिवर को फॉलो करते करते हम लोग ऊपर जाने वाले टूवर्ड्स यहाँ से 1-2 से 3 घंटा अंदर और जंगल में। तो अंदर एक वाटरफॉल है और वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने वाले। तो चलो चलते। और गाइस, और एक बात है, अगर आप लोग को डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा चेना विलेज से, तो चेना विलेज में यहाँ पे आप देखोगे एक होटल है, रिवर साइड रिसोर्ट। आप डालोगे गूगल मैप्स पे भी तो आपको समझेगा। उस रिसोर्ट के जस्ट बाजू से ही है, मैं आप लोग को वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो चलते चलो। ये रोड से हम लोग आए हैं, आपको ये रिसोर्ट दिख रहा होगा यहाँ पे रिवर साइड रिसोर्ट। उसी के बाजू से रास्ता है, इधर एक गाँव लगता है, गाँव उसको क्रॉस करते हुए ऊपर जाना है। रिसोर्ट के बाजू से जो गाँव लगता है उसको पाटिल पाड़ा गाँव है, उस गांव के अंदर से बीच में से जाना है। उसके बाद जंगल का पैच चालू हो जाएगा गांव ख़त्म होने के बाद। और इस ट्रैक में आप लोग को मैं एक सजेशन दूंगा कि रेडी रहना अगर शूज़ पहने, क्योंकि 5 से 6 बार हम लोग को रिवर क्रॉस करना पड़ रहा है, तो बार बार शूज़ निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। चेना जो विलेज है आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है, साइकिलिंग, रनिंग और मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए एक छोटा सा हब हो चुका है। थाना के काफ़ी लोग यहाँ पे मॉर्निंग एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं। तो आप लोग अगर आगे आओगे, हम लोग ये जंगल के पैच से आए थे। ये जंगल के पैच के बाद हम लोग को पहला रिवर क्रॉसिंग ये लगेगा। ये जो रिवर आ रही है यही रिवर को फॉलो करता है। कौन कौन है ट्रैक पे भाई? दोनों छोटे बच्चे लोग को आज मैं ट्रैक पे लेके आया हूँ। देखते हैं आज का एक्सपेरिमेंट कैसा होता है कि आज कैसा एक्सपीरियंस होता है, बैड एक्सपीरियंस होता है कि गुड एक्सपीरियंस। यूजुअली मैं कभी किसी बच्चे को लाता नहीं ट्रैक पे, पर ये लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किए कि चलो भैया मेरे को लेके। तो ये लोग के साथ मेरा सेकेंड ट्रैक है, ये लोग को पहले भी लेके गया, मैं एक ट्रायल किया कि हाँ मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये लोग कर सकते हैं। तो मैंने ये ट्रैक पर उनको लेके आया। ज़्यादा पानी अभी डीप नहीं है क्योंकि बारिश होके गई है, काफ़ी दिन हो गए बारिश होके, तो पानी का लेवल थोड़ा नीचे ही है, इजीली क्रॉस हो जाएगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल रिवर है, एकदम पानी एकदम ग्रीनिश कलर का है, काफ़ी क्लीन दिख रहा है। स्विमिंग करने के लिए तो ये बेस्ट स्पॉट दिख रहा है मुझे तो। यहाँ पे थोड़ा डीप लग रहा है, यहाँ पे आप एकदम आराम से, जिसको स्विमर्स है वो लोग आराम से यहाँ पे मज़ा कर सकते हैं। हम लोग अभी और डीप जाएंगे जंगल में और देखेंगे कैसा है स्पॉट आगे। ज़िंदगी में जो आपके पास समय है वो समय वापस कभी नहीं आने वाला। जो आपके पास अभी टाइम है, मोमेंट्स है या फ्रीडम है, वो आपको लाइफ में कभी वापस नहीं मिलने वाली। एक ही लाइफ है हमारी, उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। ना जाने ये समय कभी वापस आए ना आए, जो मेमोरीज आप बनाओगे वो आपको हमेशा याद आएंगे। सो गाइस, जैसा आप लोग ने देखा हम लोग रिवर को पकड़ते लेफ्ट साइड से अभी फिलहाल जा रहे। आगे आपको एक ऐसा पेड़ दिखेगा, काफ़ी लंबा बहुत बड़ा पेड़ है। ये पेड़ का डायरेक्शन याद रखो,
हम लोग लेफ्ट साइड में अभी फिलहाल, और लेफ्ट साइड में थोड़ा ट्रेल चलने लायक है तो हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, और अगर राइट साइड से जाओगे वो भी ट्रेल अच्छा ही है, चलने लायक ही है, पर फिलहाल हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। और आपको ये झाड़ियाँ, आज के जो फास्ट लाइफ है आप लोग को तो पता ही है, आजकल किसी को किसी के लिए टाइम नहीं, एटलीस्ट अपने आप के लिए तो टाइम निकालो, वीक में एक बार अपने आप को नेचर के हवाले करो और उसमें खो जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आपको महसूस होगा ज़िंदगी जीने के लिए होती है। सो गाइस, हम लोग ये रास्ते से आ रहे थे, आप लोग को नहीं समझेगा, मुझे पूरा कंफर्म है कि आपको ये रास्ता नहीं समझेगा। इस पत्थर पे मैं थोड़े दो तीन पत्थर एक के ऊपर एक रख दूंगा, आप लोग को एक साइन देगा कि आप लोग एकदम सही डायरेक्शन में है, हम लोग को टूवर्ड्स ये डायरेक्शन में जाना है। तो आपको ये मार्किंग याद रखो, अभी मैं मार्किंग बनाने वाला हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। सो गाइस, आप लोग को ये मार्किंग यहाँ पे एक बनाया हुआ है, आप ये पत्थर देख सकते हैं, ये रास्ते से आने गए, आपको ये पत्थर देखो, ऐसे आगे और भी मार्किंग्स बनाऊंगा, आप वो मार्किंग को फॉलो करते हुए आगे आओ। चलो, ये वीडियो देख के आप लोग ये तो मत सोचना कि ये ट्रैक इजी है, ये जितना ट्रैक सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, कई सारे रिवर क्रॉसिंग्स, स्टोन के पैचेस और स्लिपरी पॉइंट्स काफ़ी थे। इन नज़ारों पे यकीन नहीं होता कि हम लोग अभी भी थाने में। इस नज़ारे को देख के कोई भी सोचेगा कि ये ऋषिकेश या नॉर्थ साइड की कोई जगह है, और आप बिलीव नहीं करोगे, सिटी के अंदर ओनली 5 to 10 किलोमीटर्स दूर ऐसी भी कोई जगह है। तो गाइस, अभी एक पार्टी स्पॉट पे हम लोग पहुँचे, हम लोग कितना भी जंगल के डीप में जाए पर लोग वहाँ पे कचरा फैलाना नहीं भूलते। देखो, बियर की बाटलियाँ वगैरह है, तो बच्चे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अभी ये कचरे को जमा किया जाए और इसका कुछ सलूशन किया जाए, इसको लेके जाए वापस, तो जाने के टाइम पर हम लोग इसको लेके जाएंगे, फिलहाल हम लोग इस चीज़ को जमा करते हैं। हेलो, खोल दादू। अपन इधर है, टाइगर जोन है, हाँ, चेना सब है, हाँ, तुम्हें बगत, आप लोग ये देख रहे होगे, ये देखो, ये चेना का गांव है, गांव से जो रिवर आ रहा है, रिवर के हम लोग इधर पहुँचे हैं, अभी यही रिवर को फॉलो करते करते हम लोग यहाँ पे जाने का है। तो हम लोग ऑलमोस्ट आधा बैच के इधर पहुँच चुके हैं, एक दो और मार्किंग्स आगे बनाऊंगा, आप लोगों को मार्किंग से समझेगा, और यहाँ पे क्लीनिंगनेस रखो थोड़ा सा, और ऐसा जगह आप लोगों को थाना में कहीं मिलने नहीं वाला है तो उसका ख्याल रखो। तो चलो चलते आगे। अगर आप लोगों को पानी का सोर्स चाहिए, इधर तो काफ़ी पानी है और आप लोगों को वो पानी डायरेक्टली आप नहीं पी सकते, थोड़ा सा उसको बॉइल करना पड़ेगा, तो उसी के बाजू से ये जो स्ट्रीम दिख रहा है आपको, यहाँ से ये जो पत्थरों में से आ रहा है, ये पानी एकदम क्लीन है, यह पानी आप डायरेक्टली भी पी सकते हैं, एकदम मस्त पानी है। ये रास्ते से आगे फॉलो करते हुए सेकंड मार्किंग मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, काफ़ी बड़ी मार्किंग है, आप लोगों को इजीली दिख जाएगा, सेकंड पैच इसको ही समझो, एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये पूरा ऑफ बीट है,
बिल्कुल भी रूट्स नहीं है, हम लोग अपना रूट्स बना के जा रहे हैं। अभी यहाँ से भी आप लोगों को देख सकते हैं मार्किंग लगाई हुई है, उसी रूट को फॉलो करना है। लेफ्ट साइड से आओ, राइट साइड से थोड़ा सा जंगल का पैच है, पर लेफ्ट साइड से आपको स्टोन्स मिलेंगे और स्टोन्स पे आप चल के आराम से आ सकते हैं। पवन फिश लेके आया है, तो अभी हम घेरे वाले। तब हम लोग अभी फिश भूजने वाले इधर। दादू पवन पवन को तो दिया है, पवन मुंडी पर उड़ते हैं, ठीक है खासिल मुंडी लगा पकड़। वेजिटेरियन को मच्छी खिला रहे हैं, बैग इट टाउन ना का हाँ अरे खा मस्त है, कशी वाटली चांगली। वेजिटेरियन ने भी आई मच्छी खा ली है। काही माणसं दिसले, कुछ लोग भी काही यहाँ पे, तो उनसे हम लोग थोड़ा पूछेंगे जवाब कितना लंबा। मामा इथून आहे का रस्ता जायला धबधब्यावर? किती टाइम लागणार? अर्धा एक तास लागणार। मामा बता रहे एक से डेढ़ घंटा जाएगा। सो गाइस थोड़ा हम लोग रेस्ट कर रहे, एकदम प्यारा सा लोकेशन है यहाँ पे बैठने के लिए। ये भी इतना ब्यूटीफुल व्यू का आप देख सकते हैं। ढाई घंटे हो गए हम लोग अभी ट्रेल पे चलते हुए, और यहाँ से आधा एक घंटा लगने का चांसेस है। यहाँ पे एक फिशरमैन मिला था जो हम लोग को बताया कि यहाँ से तुम लोग को एक घंटा और लगेगा। काफ़ी टफ है ट्रैक, डिफ़िकल्ट है ट्रैक, क्योंकि आगे आगे जैसे आप लोग आओगे रिवर के, और रिवर डिफ़िकल्ट होते जाएगा। आप देख सकते हैं अभी आगे का पैच कितना डिफ़िकल्ट है, पर ब्यूटी इसकी जो है ना, ब्यूटी आपको ऐसी ब्यूटी सीधा नॉर्थ साइड में मिलेगी। यहाँ पर तो महाराष्ट्र में बहुत कम प्लेसेस है जहाँ पर आप लोग को ऐसा पानी और ऐसा व्यू मिल सकता है, स्पेशली थाने जैसी प्लेस में जो सिटी के बीच में है। थाने सिटी में ये ट्रैक है, आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा एक जगह भी हो सकता है थाने में। जैसे जैसे हम लोग मंजिल के करीब जा रहे थे, मन में एक्साइटमेंट बढ़ता जाता था कि वो वाटरफॉल कैसा दिखता होगा। लास्ट टाइम मैंने जब देखा था उसका पानी एकदम क्लीन था, और तभी वहाँ पर कुछ लोग थे, और इस बार कोई लोग मिलेंगे ना मिलेंगे तो आप लोग को पता ही है कि बारिश अभी ख़त्म हो चुकी है और पानी होने के चांसेस कम भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे इतना ब्यूटी देख के जो मन खुश हो गया है, अब वो वाटरफॉल मिले ना मिले इसी ने मेरा दिल जीत लिया है। This is real paradise. अरे आधा मत देख सकते हैं रॉक का पैचेस स्लोली स्लोली बहुत हार्ड होते जा रहे हैं, पर ये जो है ना आप देखो यहाँ पे स्विम करने के लिए बेस्ट है। यहाँ पे भी स्विमिंग थोड़ा रिस्की है।
देखने लिए हम लोग अभी वाटरफॉल के इधर पहुंच गए। इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है ये तो हाफ सरप्राइज है। अभी इसके ऊपर जाएंगे, उधर दो और वाटरफॉल है, दो पॉन्ड है नहाने के लिए, एक नंबर है। और ये भी वाटरफॉल फुल सेफ है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। अगर आप लोग को स्विमिंग नहीं आता तो आपके लिए ये बेस्ट है। पानी आप देख सकते हैं नेचुरली ब्लू है। अभी चलते हैं हम लोग ऊपर। और गाइस, जैसे हम लोग को पता चला कि ऊपर कोई भी नहीं है हमारे अलावा, तो एक्साइटमेंट डबल हो गई। वाटरफॉल के देखने के लिए, वाटरफॉल में नहाने के लिए हम लोग इतना एक्साइटेड हो गए कि भागने लग गए। जैसे जैसे वाटरफॉल नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे एक्साइटमेंट डबल होते जा रही थी। तो सीधा हम लोग पानी में चले गए और हम लोग ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आ गया। आप लोग भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए इधर। हम लोग अभी पूल में बहुत मजा किया। आप देख सकते हैं नीचे एक पूल है, वो साइड में एक पूल है, दोनों पूल एकदम ब्यूटीफुल है। और आप देख सकते हैं पानी तो एकदम अच्छी जगह से आ रहा है, एकदम नेचर से आ रहा है पानी। और यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं है, आप यहाँ पे नहा सकते हैं एकदम आराम से। जहाँ पे फोर्स गिर रहा है पानी का, वहाँ पे पानी का थोड़ा डीप है, बाकी जगह पे डीप नहीं है। और बच्चे लोग पूरा इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अभी सेकेंड पूल के इधर जाने वाले, तो चलो मैं वीडियो अभी इधर ही एंड कर देता हूँ। अभी थोड़ा एंजॉय करूँगा और वहाँ से घर पे चला जाऊँगा। घर जाने का रूट वापस बता के कुछ फ़ायदा नहीं है, वापस वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, तो अभी मैं जाने वाला हूँ उधर। या आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मेरे चैनल में नए रहेंगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने लोगों को। और अगर आप लोग को इधर आना है तो एग्जैक्ट मैं आपको ये वीडियो में गूगल मैप्स का एक ये डाल दूँगा स्क्रीनशॉट, आप कहाँ से आ सकते हो, क्योंकि योर से तो आना के लिए मिलेगा नहीं आप लोग को। तो आपको चाइना से आना है तो चाइना से भी आ सकते हो, जोर से भी आ सकते हो, दोनों जगह से आपको आने का ऑप्शन है। मैं अभी जा रहा हूँ, अभी मैं वीडियो बंद करने वाला, अभी मैं उन लोगों के साथ जा रहा हूँ फन करने वाला वहाँ पे। वे चलो बाय बाय। तो गाइस, एक छोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं, या जो लोग यहाँ पे आते हैं, कचरा बिल्कुल भी मत फेंदाओ। पपाया हम लोग ने खाया था पर वो डिकम्पोज हो सकता है, तो भी हम लोग उसको उठा के लेके जाता है। आपको अगर ये चीज़ इंजॉय करना है तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिए।